हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सेकेंड स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 लेसन नंबर 4.2 एक्टिविटी टाइम। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, अ कूल ड्रिंक मेड फ्रॉम रॉ मैंगोज। और एक्टिविटी क्या है कि रॉ मैंगोज से हमें एक कूल ड्रिंक बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब समर डेज आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या फिर जूस होते हैं, शरबत होते हैं, जो कि घर में बनाए जाते हैं। तो कई सारे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स भी पसंद होते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना होगा स्टूडेंट कि बाहर से हम लोग मार्केट से जो कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं उनसे अच्छा कि घर में जो शरबत होते हैं या फिर जो जूस होते हैं जो मम्मी आपको फ्रूट से बना के देती है उन्हें पीना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पर भी एक हेल्दी ड्रिंक आपको आपकी टीचर सिखाने वाली है, वही एक्टिविटी आपको यहाँ पर दी है। तो देखिए कौन कौन है यहाँ पे, एक क्लासरूम का आपको पिक्चर दिख रहा है। तो क्लासरूम में टीचर इन बच्चों को क्या करने वाली है, एक्टिविटी सिखाने वाली, एक्टिविटी देने वाली है कि किस तरीके से कैरी पन्ना, मतलब जो रॉ मैंगो होता है उससे एक ड्रिंक किस तरीके से बनाना है। तो टीचर सेड गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। जैसे देखिए स्टूडेंट, आप भी जब स्कूल में जाते हो तो आपको आप भी टीचर को विश करते हो, टीचर भी आपको बोलती है गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून। अगर आपका स्कूल आफ्टरनून में होता है तो गुड आफ्टरनून बोलते हैं, या फिर मॉर्निंग में है तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो यहाँ पे टीचर ने भी विश किया गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, उसके बाद चिल्ड्रेन ने बोला गुड मॉर्निंग टीचर। देन टीचर सेड आई एम एक्साइटेड टुडे आरंट यू, कि मैं एक्साइट हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ, क्या आप लोग नहीं हो। चिल्ड्रन सेड ये वी आर एक्साइटेड टू। तो सारे बच्चों ने यहाँ पे बोला कि यस, हम लोग भी एक्साइटेड हैं। टीचर ने कहा वाई। देन चिल्ड्रन सेड वी आर गोइंग टू मेक कैरी पन्ना टुडे यम्मी। तो सारे बच्चे एक्साइटेड क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आज टीचर उन्हें क्या सिखाने वाली है कि कैरी पन्ना जो होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। टीचर सेड हैव यू ब्रॉट एवरीथिंग वी नीड, आई विल रीड आउट द लिस्ट। तो देखिए टीचर ने उन्हें पहले ही एक लिस्ट बना के दिया था कि किसको कौन सी चीज़ लानी है। तो यहाँ पे टीचर ने कहा कि क्या आप सब लोगों ने सारी चीज़ें लाई है जो मैंने आप लोगों को बताई थी। चिल्ड्रन से यस टीचर। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है पिक्चर में कि जो भी एक्टिविटी उन्हें करनी है, कैरी पन्ना जो बनाना है उसके लिए उनके पास सारे यहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही है, जैसे कि जार है, उसमें वाटर है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको दिख रही है। लेकिन कौन सी चीज़ें टीचर ने उन्हें लाने के लिए कही थी और किस तरीके से कैरी पन्ना बनाया गया है यहाँ पे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। समर कूलर नाम दिया है यहाँ पे। टीचर सेड वी नीड बॉइल रॉ मैंगो पल्प। तो सबसे पहले कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए या फिर कौन सी चीज़ उन्हें चाहिए थी, बॉइल रॉ मैंगो पल्प। जो रॉ मैंगो आता है उसका पल्प निकाला गया है उसे बॉइल करके। चाइल्ड से टीचर आई हैव ब्रॉट इट। तो उसमें से एक बच्चे ने ये जो रॉ मैंगो का पल्प था वो लेके आया था। टीचर सेड अ कप ऑफ ग्रेटेड जैगरी। सेकेंड थिंग या फिर सेकेंड जो इंग्रेडिएंट था वो कौन सा था, ग्रेटेड जैगरी। जैगरी मीन्स गुड़ जो होता है जो मीठा लगता है खाने में, तो वो यहाँ पे लाने के लिए बोला था। देन चाइल्ड सेड आई हैव ब्रॉट इट टीचर। तो उसके बाद एक जो बच्चा था वहाँ पे उसने क्या कहा कि यस टीचर मैंने लाया है। टीचर सेड अ स्पूनफुल ऑफ ब्लैक सॉल्ट, थैंक्स रोहन। तो यहाँ पे रोहन था, उसे कहा गया था कि उसे क्या लाना था, ब्लैक सॉल्ट लाना था। अ पिंच ऑफ क्यूमिन पाउडर, थैंक यू सोनाली। तो सोनाली को क्या लाने के लिए बोला था, क्यूमिन पाउडर को। टीचर सेड नाउ लेट्स प्रिपेयर आवर फेवरेट समर कूलर, लेट्स मिक्स दीज थिंग्स वन बाय वन। तो सारे इंग्रेडिएंट सबके पास थे वहाँ पे, तो टीचर ने उनको लिया और कहा कि अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे ड्रिंक बनाना है उसे स्टार्ट करेंगे। तो किस तरीके से उन्होंने किया, तो प्रोसीजर यहाँ पे आपको दिया है। देखिए फर्स्ट उन्होंने क्या किया, टेक अ बिग जार, कि इस तरीके से जो जार होता है उसे लेना है बड़ा वाला। सेकेंड फिल इट विद चिल्ड वाटर, चिल का मीनिंग होता है कूल, काफ़ी ठंडा जो पानी होता है तो उसे लेना है। थर्ड वन दिया है एड सम रॉ मैंगो पल्प एंड मिक्स इट वेल। तो क्या करना है, उसके बाद पानी ले लिया हमने जार में, उसके बाद जो रॉ मैंगो होगा उसका पल्प निकाल के इसमें डालना है पानी में और उसे स्टीयर करना है स्पून से, मतलब मिक्स करना है अच्छे से। फोर्थ वन है एड अ कप ऑफ ग्रेटेड जैगरी एंड स्टीयर इट वेल, कि जैगरी जो गुड़ है उसे भी पानी में डालना है, उसके बाद उसे भी अच्छे से मिक्स करना है। नेक्स्ट दिया है फिफ्थ वन एड अ स्पूनफुल ऑफ ब्लैक सॉल्ट, उसके बाद क्या ऐड करना है, ब्लैक सॉल्ट को ऐड करना है एंड एड अ पिंच ऑफ क्यूमिन पाउडर। पिंच मतलब इस तरीके से हम चुटकी भर बोलते हैं, तो चुटकी भर क्यूमिन पाउडर को उसमें मिक्स करना है। सेवन दिया है स्टीयर इट वेल वन मोर टाइम, उसके बाद फिर से चम्मच से घुमा के, स्टीयर मतलब क्या, चम्मच से घुमाना, तो उस तरीके से क्या करना है, मिक्स करना है। एट वन
कीप द ग्लासेस रेडी इन अ ट्रे, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ग्लासेस को ट्रे में अरेंज करना है, अच्छे से रखना है। एंड देन नाइन्थ क्या दिया है, पोर इट इन, पोर मीन्स हमें जार से इस तरीके से जूस को या फिर जो ड्रिंक बनाया है उसे ग्लास में डालना है। एंड ड्रिंक इट अप, इजंट इट यम्मी, क्या ये यम्मी होगा, तो ऑब्वियसली यम्मी होगा, उसमें मैंगो पल्प है, जैगरी है, और थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए उसमें ब्लैक सॉल्ट को मिक्स किया गया है, क्यूमिन पाउडर है, तो उसका टेस्ट कैसा होगा, यम्मी होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको छोटी सी एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे, तो अगर आप घर पे भी आपके मम्मी को बोल सकते हो, क्योंकि समर डे स्टार्ट हो चुके हैं, तो मम्मी भी क्या कर सकती है, आपके लिए इस तरीके से कैरी पन्ना बना सकती है, जो कि काफ़ी टेस्टी और यम्मी होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेसन अच्छा समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि बच्चों को पसंद होता है उसी तरीके का यहाँ पे क्या दिया है, प्रोसीजर दिया है इस कैरी पन्ना का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।